गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू द यूट्यूब लाइव क्लास ऑफ अनअकैडमी। आज ये जो यूट्यूब लाइव क्लास है, दिस इज़ फॉर क्लास 11 बायोलॉजी, एंड हम जिस चैप्टर से डील कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ चैप्टर, किंगडम एनिमेलिया। हमने ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट कर दिया था एंड किंगडम एनिमेलिया को इंट्रोड्यूस किया था। आप एक बार प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओपन पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 में हमने क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल बॉडी प्लान एंड फाइलम पोरीफेरा तक कंप्लीट कर दिया था। एंड मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो चैप्टर है और आपके क्लास 10th का चैप्टर था एनिमल क्लासिफिकेशन में, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। पूरे टेबल को भी हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो एक बार आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नए फाइलम से, दैट इज फाइलम मीडेरिया। सो लेट्स बिगिन। नाउ हमने क्या बोला था, बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स हम इस फाइलम को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम में क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें हमने पोरीफेरा देखा था, कौन कौन से फाइव क्राइटेरियाज थे अगर आपको याद हो तो। एक तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल यूनिसेलुलर है, मतलब सेलुलर लेवल में है, ऑर्गन लेवल में है या ऑर्गन सिस्टम लेवल में है, तो डिफरेंशिएशन है कि नहीं उसके बेसिस पर। इसके अलावा हमने देखा था कि इसमें कोई बॉडी सीलम प्रेजेंट है कि नहीं, यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं, जर्म लेयर कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, बेस्ड ऑन जर्म लेयर कितने हैं, सेगमेंटेशन कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, करेक्ट। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी, दैट इज बॉडी सिमेट्री, कि बॉडी में सिमेट्री शो हो रही है कि नहीं, जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो किस तरह से वो सिमिलैरिटी शो करती है। सो दीज वर द फाइव मेजर क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हमने फाइलम को क्लासीफाई किया था। फाइलम निडेरिया से स्टार्ट करते हैं। सो आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो फाइलम कौन सा है और उनके एग्जाम्पल्स, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधे सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रा, ऑरेलिया, फाइजेलिया, एडम्सिया, डिप्लोरिया, गॉर्गोनिया। हाइड्रा ये एक वाटर एनिमल है। देन वी हैव ऑरेलिया, ऑरेलिया किसका साइंटिफिक नेम है, जेलीफिश। ऑरेलिया को कॉमनली जेलीफिश बोला जाता है। देन वी हैव फाइजेलिया, फाइजेलिया का कॉमन नेम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया, एडम्सिया का कॉमन नेम है सी एनिमॉन। डिप्लोरिया का कॉमन नेम है ब्रेन कोरल एंड गॉर्गोनिया का कॉमन नेम है सी फैन। अब इसके फीचर्स कैसे दिखते हैं, यहाँ पे कुछ के तो इमेजेस मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं। यहाँ पर जैसे दिस इज ऑरेलिया यानी जेलीफिश, ये पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर जिसे फाइजेलिया कहते हैं। दिस इज एडम्सिया सी एनिमॉन, इसका हाइड्रा का बॉडी सिलेंड्रिकल होता है। देन दिस इज डिप्लोरिया जिसे ब्रेन कोरल भी कहते हैं, स्ट्रक्चर इसका ब्रेन जैसा है देखने से। देन गॉर्गोनिया जिसे हम सी फैन भी कहते हैं। अब जनरली ये जो नीड एरिया होता है, सी इज साइलेंट नीड एरिया, ये कैसे होते हैं, दीज आर अक्वाटिक, पानी में मिलते हैं, मोस्टली मराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। मोस्टली सी वाटर में मिलेंगे और कुछ जो होते हैं वो आपको फ्रेश वाटर दैट इज पॉन्ड लेक में मिलेंगे। दे आर सेसाइल ऑफ फ्री स्विमिंग, मतलब इनके मूवमेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि क्या ये मूव हो सकते हैं कि नहीं। सो दे के नॉट मूव, ये इनमें दो कैटेगरीज आते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रा की बात करूँ तो हाइड्रा कैसे होता है, दे आर सेसाइल, सेसाइल मतलब ये किसी सर्फेस या सबस्ट्रेटम से अटैच होके रहते हैं। और अगर मैं जेलीफिश जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो वो कैसे होते हैं, दे आर फ्री स्विमिंग। दे शो रेडियल सिमेट्री
एंड डिप्लोब्लास्टिक, इनकी सिमेट्री कैसी। हमने पांच क्राइटेरियाज में एक क्राइटेरिया पढ़ा था कि इसकी सिमेट्री कैसी। सिमेट्री यानी जब आप इसको कट करें तो किस तरह की सिमिलैरिटी शो करते हैं, या तो सिमिलैरिटी है नहीं। सो जब हमने पोरीफेरा में पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि इन पोरीफेरा इट वॉज असिमेट्रिकल। तो पोरीफेरा की बॉडी कैसे थी, ऐसे इररेगुलर सी थी, जिससे आप उसको कट भी करेंगे तो कोई सिमिलैरिटी शो नहीं करती थी। बट इन केस ऑफ निडेरिया इट शोज रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस सी एनिमोन को कट करें, इसकी बॉडी कैसे सिलेंड्रिकल है, सो थ्रू आउट अलॉन्ग द रेडियस ये क्या शो करेगी, सिमिलैरिटी शो करेगी। एंड इनके जर्म लेयर्स कैसे होते हैं, इफ दे आर मेड अप ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, मतलब एंडोडर्म, आउटर एंडो इनर एंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म, तो हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट इफ दे आर ओनली मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर्स तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब होता है टू। और इनमें बॉडी प्लान कैसी दिखाई देती है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ओके, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब इनकी बॉडी में इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये आपको याद रखना है, ब्लाइंड सैक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, पार्शियली कंप्लीट है बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इनके पास एक ही ओपनिंग होगा, जैसे हमने हाइड्रा में डिस्कस किया था, विल शो यू द पिक्चर ऑफ, हाइड्रा नहीं है। सी हाइड्रा में कैसा होता है, कुछ ऐसे दिखता है हाइड्रा। सो हाइड्रा में ओपनिंग, माउथ एक ही होती है और उसी से एक्सक्रीशन होता है। तो इंजेशन भी एक पॉइंट से एंड जो एक्सक्रीशन है वो भी एक ही पॉइंट से। ओके, इसीलिए उसको बोला गया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ह्यूमन में कैसे होता है, माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, इंजेशन अलग, एक्सक्रीशन अलग। तो हमारे में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, लेकिन निडेरिया में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। और यही अगर आपसे मैं पोरीफेरा का पूछूं तो पोरीफेरा में कैसा होता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। और सेल एग्रीगेट क्यों नाम दिया गया, बिकॉज अगर आप पोरीफेरा स्पॉन्ज को देखेंगे, जस्ट दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत ज़्यादा टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब बहुत सारे टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन सिस्टम वगैरह में डिफरेंशिएट नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल बॉडी प्लान होता है पोरीफेरा का, तो उनका सेल एग्रीगेट प्लान है। निडेरिया का बॉडी प्लान कैसा है, इट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जहाँ पे ओपनिंग एक ही होता है, इंजेशन इजेशन दोनों उसी ओपनिंग से होता है। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, दे एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, तो दो टाइप की बॉडी दिखती है, एक है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। अब पॉलिप का मतलब होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म, सो ये आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रा का एग्जाम्पल दूँ, सो हाइड्रा, एडम्सिया, सी एनिमॉन, इनकी बॉडी कैसी होती है, दे आर सिलेंड्रिकल, और इस बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलिप। और ये सेडेंट्री भी होते हैं, सेडेंट्री मतलब सरफेस से अटैच्ड होते हैं, मूव नहीं हो सकते, सिसाइल होते हैं। एंड मेड्यूसा का मतलब होता है अम्ब्रेला लाइक। अभी जैसे जेलीफिश इज एन आइडियल एग्जांपल, अगर जेलीफिश को देखेंगे तो इसकी इसका हेड कैसा है, ऊपर का जो सरफेस है अम्ब्रेला जैसा है। तो आपको ये अगर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलिप टाइप ऑफ बॉडी, तो आपको याद रखना है हाइड्रा का बॉडी पॉलिप टाइप है, सिलेंड्रिकल है, एंड जेलीफिश की बॉडी कैसी है, अम्ब्रेला लाइक है। नाउ दे डू शो द प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब बॉडी सीलम। तो बॉडी सीलम प्रेजेंट है कि नहीं है, सीलम प्रेजेंट नहीं है लेकिन बॉडी कैविटी है। इसका मतलब हाइड्रा या ये जो ग्रुप होते हैं ना निडेरिया, इनके पास बॉडी कैविटी होती है। और इस बॉडी कैविटी का फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन के लिए। सर्कुलेशन मतलब जो भी खाना वो खा रहे हैं वो थ्रू आउट द बॉडी पास ऑन करने के लिए और उसको डाइजेस्ट करने के लिए। एंड अगर आपने पोरीफेरा का अगर आपको याद हो तो पोरीफेरा में भी हमने ऐसा पढ़ा था कि स्पॉन्जेस में स्पॉन्जो सील करके होता है, स्पॉन्जो सील। स्पॉन्जो सील मतलब स्पॉन्ज में दिखने वाली कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जो सील। इसी तरह से ये निडेरिया में भी आपके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेशन, वैस्कुलर का मतलब सर्कुलेशन। तो जो डाइजेशन और सर्कुलेशन के लिए हेल्प करे ऐसी कैविटी को कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या फिर इसे सी लेंट्रॉन भी कह सकते हैं, याद रखना सी लेंट्रॉन। ओके, सी भले ही यहाँ पे सी लेंट्रॉन करके दिया है बट इट इज नॉट ट्रू कैविटी। हाँ, जो ये जो ग्रुप होते हैं ना निडेरिया, दे आर असीलोमेट्स, मतलब इनके पास सीलम नहीं होता।
कैविटी प्रेजेंट होती है बट कैविटी ट्रू नहीं होती. एक कैविटी को ट्रू तब कहा जाता है जब काफी सारे जो इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको स्टोर किया जाए. जैसे हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी, इट्स अ ट्रू सीलम, तो हम यू सीलोमेट्स हैं. ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था जब किंगडम एनिमेले को इंट्रोड्यूस किया था. टेंटिकल्स बेयर नीडोब्लास्ट. अभी इसी स्पॉन्ज के पास अगर आपको याद हो तो उनमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट थे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट थे. इसी तरह से ये जो निडेरिया के जो ग्रुप होते हैं इनके पास टेंटैकल करके होता है. तो हाइड्रा के ऊपर हमने टेंटैकल करके स्ट्रक्चर देखा है. ये जो टेंटैकल होते हैं ना इनमें निडोब्लास्ट करके एक रीजन है. निडोब्लास्ट को स्टिंजिंग सेल भी बोला जाता है. निडोब्लास्ट को क्या बोला जाता है? स्टिंजिंग सेल्स. इसका फंक्शन क्या है पूछा तो याद रखना, ये एंकरेज. एंकरेज मतलब खुद को फिक्स करने, सपोर्ट के लिए. ऑफेंस एंड डिफेंस. ऑफेंस एंड डिफेंस मतलब इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं या टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं कि सामने वाला अगर प्रे है तो शिकार है तो शिकार को मार दे. तो अपने डिफेंस के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फाइलम नीड एरिया में आते हैं, नाम में ही है नीड एरिया, तो आपको ऐसे याद रखना है नीड एरिया में नीडोब्लास्ट होता है या स्टिंजिंग सेल्स होता है जो एंकरेज खुद को सपोर्ट देने के लिए डिफेंस के लिए यूज करते हैं. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो निडेरियंस जो हैं वो असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके जब मैं असेक्सुअली बोलती हूँ तो इसमें दो कॉमन मेथड देखे जाते हैं, बडिंग एंड रीजनरेशन. बडिंग का मतलब क्या होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे, ये हाइड्रा है. ओके यहाँ पे हाइड्रा का छोटा सा बडिंग मतलब आउटग्रोथ का फॉर्मेशन. आउटग्रोथ फॉर्मेशन. सो ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा से छोटा सा आउटग्रोथ ग्रो होगा एंड जैसे जैसे टाइम जाएगा ये आउटग्रोथ जो है मैच्योर होके सेपरेट हो जाएगा और हमको एक ही पेरेंट हाइड्रा से डॉटर हाइड्रा भी मिलेगा, उसको बोलते हैं बडिंग. जैसे ईस्ट के ऊपर दिखता है, प्लांट में ईस्ट में दिखता है. और रीजेनरेशन का मतलब क्या, अगर यहाँ पे हाइड्रा का कोई भी रीजन कट हो गया, ठीक है, सो अगर हाइड्रा है उसका फॉर एग्जाम्पल हेड पार्ट कट हो गया, तो जिस पार्ट को कट कर दिया गया है, जो कट हो चुका है, उस पार्ट से क्या होगा, एक न्यू बॉडी पार्ट डेवलप होगा. रीजनरेशन. जो प्लानेरिया के बारे में हमने पढ़ा था, प्लानेरिया भी रीजनरेशन शो करते हैं, इसी तरह से स्पॉन्ज भी रीजनरेशन शो करते हैं, सॉरी निडेरिया भी रीजनरेशन शो करते हैं, इनफैक्ट स्पॉन्ज भी रीजनरेशन शो करता है. ओके स्पॉन्ज में भी हमने रीजनरेशन पढ़ा था. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपसे पूछा, जो दो मेथड है, एक है बडिंग और दूसरा है रीजेनरेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इट टेक्स प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन. क्या होते हैं गैमेट? गैमेट आर सेक्स सेल्स. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्स सेल्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से होगा. वॉट एल्स, दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ पॉलीपॉइड जनरेशन विथ मेडिसोड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. निडेरिया एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे प्लांट में हमने पढ़ा था ना लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन होता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, उसी तरह से इन केस ऑफ निडेरियंस इनके इनके दो बॉडी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, या तो ये सिलेंड्रिकल या पॉलिप हो सकते हैं जैसा हाइड्रा, या तो अम्ब्रेला लाइक हो सकते हैं जैसा ऑरेलिया. तो ये जो अल्टरनेशन है, कभी पॉलीपॉइड तो मेड्यूसॉइड, मतलब कभी सिलिंड्रिकल तो अम्ब्रेला लाइक, इसमें जो अल्टरनेशन होगा उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस. क्या है मेटाजेनेसिस? पॉलीपॉइड एंड मेड्यूसॉइड में अल्टरनेशन शो होना. मतलब अगर वो पॉलिप है, पॉलिप मतलब शुरुआत में अगर वो सिलिंड्रिकल है तो बाद में जाके वो अल्टरनेट होंगे और मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. बट ये प्रोसेस होता कैसा है, पॉलिप से मेड्यूसा असेक्सुअली होता है. असेक्सुअली मीन्स नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. ओके और जब मेड्यूसा को, मेड्यूसा मतलब अम्ब्रेला लाइक, बाद में जाके पॉलिप सिलेंड्रिकल पॉलिप बनाता है, ये प्रोसेस होता है सेक्सुअली. ये आपको लर्न करना है. तो जो पॉलिप है वो मेड्यूसा बनाएगा अम्ब्रेला लाइक असेक्सुअली, और मेड्यूसा पॉलिप बनाएगा सेक्सुअली. इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया. तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए ओबेलिया ओरेलिया विथ सम अदर एग्जाम्पल्स, और अगर आपसे पूछे कि मेटाजेनेसिस कौन शो कर रहा है जहाँ पे पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में पॉलिप और मेड्यूसा के बीच अल्टरनेशन होगा, तो दैट इज ओबेलिया. सो एक बार क्विकली इन टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं.
जो मैंने किंगडम प्लांटे का एनिमे लिया था, प्लांटे भी, प्लांटे के भी कुछ टॉपिक्स हमने ले लिए हैं, एंड किंगडम एनिमेलिया के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं वो आपको अनअकैडमी यूट्यूब पे ही मिलेगा। आपको बस मेरा नाम टाइप करना है, पिल्ले श्रुति पी कुमार, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यूट्यूब के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, SP मैम लाइव, ओके, फॉर यूट्यूब क्लासेस। सो जब भी मेरे क्लासेस अपलोड होंगी आपको अनअकैडमी पे यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिवाइज कर लेते हैं निडेरिया के बारे में। सबसे पहले निडेरिया के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, हाइड्रा, ऑरेलिया, फाइजेलिया, एडम्सिया, डिप्लोरिया, गॉर्गोनिया। ऑरेलिया को कॉमनली क्या कहा जा सकता है, जेलीफिश। फाइजेलिया को कॉमनली क्या कहा जा सकता है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया को सी एनिमॉन। डिप्लोरिया को कॉमनली ब्रेन कोरल भी कहा जा सकता है, एंड गॉर्गोनिया को सी फैन। ठीक है, ये लर्न करना है। इसकी हैबिटेट कैसी है, ये अक्वाटिक होते हैं मतलब पानी में मिलते हैं, मोस्टली मराइन सी वाटर में होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं। इनकी लोकोमोशन मतलब क्या ये मूव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो ये मूव नहीं हो सकते, दे आर सिसाइल। सिसाइल मतलब इनएक्टिव होते हैं, जो सबस्ट्रेटम है वहीं पे चिपक जाते हैं। और हमको फ्री स्विमिंग भी मिल सकता है। अगर आपसे सिसाइल का एग्जाम्पल पूछा तो आप हाइड्रा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और फ्री स्विमिंग में आपका ऑरेली आ गया, दैट इज जेली फिश। वॉट अबाउट द सिमेट्री, सिमेट्री शो होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, बट कैसी सिमेट्री शो होगी, रेडियल। रेडियल मतलब जब आप इसको कट करेंगे अलोंग द रेडियस ये सिमेट्री शो करेगी। इनका जर्म बॉडी लेयर कैसा होता है, मतलब जर्म लेयर प्रेजेंट है कि एबसेंट है, तो जर्म लेयर तो होता है बट देर आर ओनली टू जर्म लेयर्स, जिसकी वजह से डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। और इनमें बॉडी प्लान कैसी होगी, सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट मतलब कम से कम डिफरेंशिएशन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यानी एक ही ओपनिंग से इंजेशन एज वेल एज इजेशन, या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जैसे हम में दिखाई देता है, माउथ अलग एनस अलग, तो इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होती है, एक ही ओपनिंग से इंजेशन इजेशन दोनों ही होता है। और एनिमल्स में दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक पॉलिप होता है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और दूसरा मेड्यूसा जो अम्ब्रेला लाइक है। ओके, अगर आपसे पूछा पॉलिप कौन शो करता है, तो हाइड्रा शो करता है, और मेड्यूसा कौन शो करता है, ऑरेलिया। बॉडी कैविटी होती है कि नहीं होती, होती तो है बट ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, ये असीलोमेट्स होते हैं, तो इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, लेकिन एक गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी करके कैविटी प्रेजेंट है। गैस्ट्रो मतलब डाइजेशन, एंड वैस्क्यूलर मतलब सर्कुलेशन, जो डाइजेशन एंड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करे। इसी गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी को क्या बोला गया, सीलेंटरोन, क्या बोलते हैं, सीलेंट्रोन। देन इसके अलावा सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नाम में ही है नीडेरिया, तो इनके पास निडोब्लास्ट होता है जिसे स्टिंजिंग सेल्स भी बोलते हैं। सो अगर आप इनके टेंटैकल्स देखेंगे तो टेंटैकल में क्या प्रेजेंट है, टेंटैकल मतलब हमने बोला था जैसे हाइड्रा के ऊपर शेंडी होती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, निडोब्लास्ट या स्टिंजिंग सेल्स। हेलो केशव, विच आर मेंट फॉर एंकरेज, एंकरेज मतलब सपोर्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म। और इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल भी होता है सेक्सुअल भी होता है। जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, असेक्सुअल मीन्स नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे मेल फीमेल का कुछ मिक्सिंग नहीं होता गैमीट का, एक ही पेरेंट से आपको मल्टीपल और एनिमल, इंडिविजुअल एनिमल मिलेंगे, जैसा बडिंग, बडिंग जैसे हाइड्रा पे दिखाई देता है। हाइड्रा में क्या होता है, छोटे छोटे आउटग्रोथ्स बड्स फॉर्म होते हैं, बाद में बर्ड मेच्योर होकर अलग होगा और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन के ग्रो होगा। देन रीजनरेशन, रीजनरेशन यानी आप कोई भी पार्ट कट कर दो हाइड्रा से तो वहाँ से न्यू जो पार्ट है वो ओरिजिनेट होगा। सिमिलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गैमीट फॉर्मेशन से, मतलब सेक्स सेल्स मेल फीमेल गैमीट बनते हैं। देन हम में पॉलीपॉइड और मेड्यूसॉइड जनरेशन में क्या होता है, अल्टरनेशन होता है, मतलब अगर आप निडेरिया ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो पॉलीपॉइड मेड्यूसॉइड इस तरह से अल्टरनेशन दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज आप मेटाजेनेसिस और किसी फाइलम में नहीं पढ़ रहे हैं, आप निडेरिया में स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया, ओबेलिया क्या शो करता है, अल्टरनेशन। कभी पॉलिप बनाएगा असेक्सुअली, पॉलिप जो है मेड्यूसा बनाएगा असेक्सुअली, मेड्यूसा पॉलिप बनाएगा सेक्सुअली। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
पॉलिप मेड्यूसा बनाएगा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा पॉलिप बनाएगा सेक्सुअली। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जो कौन शो करता है? निडेरिया। नाउ इफ दैट इज क्लियर, सो हम नेक्स्ट फाइलम से स्टार्ट करते हैं टीनोफोरा। इन केस आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बिफोर वी बिगिन विथ टीनोफोरा, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग फॉर माय नेम पिल्ले श्रुति बी कुमार। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे क्लास 11 एंड क्लास 12 बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। सो अगर आप क्लास 11 या 12 की कैटेगरी में देखेंगे तब भी आपको मेरा नाम मिल जाएगा। मैंने क्लास 11 12 दोनों के लिए काफ़ी सारे क्लासेस बनाए हैं, नॉट जस्ट पेड बट फ्री क्लासेस भी हैं। सो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। 11th के लिए मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है फिफ्थ, ये चारों पांचों चैप्टर्स के एमसीक्यू क्विज कवर कर दिए हैं। और एमसीक्यू क्विज पूरे टेक्स्ट बुक, मतलब पूरे टेक्स्ट बुक का थ्योरी क्विज के थ्रू ही डिटेल में डिस्कस किया है। इसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर इनकी तो थ्योरी भी हो चुकी है। एंड सेवन चैप्टर सेल डिविजन, इसका अभी एमसीक्यू क्विज चल रहा है, एमसीक्यू क्विज एंड थ्योरी चल रहा है। सो आप इंटरेस्टेड है तो आप स्पेशल में अटेंड कर सकते हैं, साथ ही प्लस क्लासेस में भी कुछ क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ओके तो कोई भी क्लासेस हो उसको एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी पे एसपी महा का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इजीली फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। या अगर आप प्लस सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द सेम रेफरल कोड एसपी महा। और ये लास्ट टाइम जो नहीं थे उनके लिए है, ये सारी चीज़ें यूट्यूब के लाइव क्लास में लास्ट टाइम हो चुकी है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना जिससे आपको टॉपिक का आइडिया मिल जाए। ये क्लास के टाइमिंग्स हैं, क्लास 11 का 9 PM को होता है अनअकैडमी पे एंड क्लास 12 का 5 PM को होता है। और ये प्लस क्लास के टाइमिंग्स हैं। ओके मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास 12 का 7:45 को 8:45 होता है। तो क्लासेस ऑलमोस्ट रेगुलर हैं, आप कोई भी क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करके दिया है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहीं पे सारे लिंक्स और शेड्यूल दिए जाते हैं। इन केस इफ देयर इज एनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम से, दैट इज टीनोफोरा। सो टीनोफोरा को कॉमनली क्या बोला जाता है? दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कोम्ब जेली। सी टीनोफोरा को याद रखना, टीनोफोरा जो चीज़ है ना ये आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, ओके या अभी अभी आपको इंट्रोड्यूस किया है टीनोफोरा करके। इनको कोम्ब जेली या सी वॉलनट भी बोला जाता है। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, एक्सक्लूसिव मतलब मोस्टली ये कैसे होते हैं, मराइन सी वाटर में मिलते हैं और ये फ्री स्विमिंग होते हैं। तो अभी इसको और निडेरिया को कंबाइन करके पढ़ना। ओके निडेरिया में आपने क्या पढ़ा था कि ये मराइन होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं और फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। लेकिन टीनोफोरा देखो यहाँ पे कहीं दिया है फ्रेश वाटर नहीं, एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब ऑलमोस्ट पूरी तरह से सी वाटर में ही मिलेंगे। देन हम जब निडेरिया पढ़ रहे थे हमने बोला था कि या तो निडेरिया सिसाइल हो सकता है, मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच हो सकता है जैसे हाइड्रा, या तो फ्री स्विमिंग हो सकता है जैसे जेलीफिश। बट टीनोफोरा में ये सिर्फ और सिर्फ फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब ये सरफेस से कभी अटैच नहीं रहेंगे, दे विल ऑलवेज मूव, दे विल शो मूवमेंट। इनकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक। निडेरिया में बॉडी कैसे थी? बॉडी डिप्लोब्लास्टिक थी, दो जर्म लेयर प्रेजेंट था। टीनोफोरा में भी दो जर्म लेयर प्रेजेंट है। निडेरिया में सिमेट्री कैसे थी? रेडियल सिमेट्री थी, जैसा हाइड्रा में हमने बोला था कि आप इसको कट करेंगे तो ये अलॉन्ग द रेडियस सिमिलैरिटी शो करेगी। एंड यहाँ पर इन केस ऑफ टीनोफोरा सिमेट्री कैसे? रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब कट करेंगे तो अलॉन्ग द रेडियस सिमिलैरिटी होगी। बॉडी प्लान कैसा है याद करना, निडेरिया में बॉडी प्लान कैसा था? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। टीनोफोरा में भी कैसा है? ब्लाइंड सैक, मतलब यहाँ पे एक ही ओपनिंग में इंजेशन और इजेशन होगा, अलग अलग ओपनिंग नहीं होगा या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। देन एनिमल के पास ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल है कि ऑर्गन लेवल है?
टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसिएशन नहीं दिखाई देंगे, बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम्स नहीं दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे तो निडेरिया एंड टीनोफोरा आपको लर्न करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों बहुत ही सिमिलर है। ओके तो कभी भी आप फाइलम पढ़ते हैं तो कंपेयर करके पढ़िए, जिससे चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। देन लोकोमोशन और मूवमेंट, ये कैसे होता है? तो लोकोमोशन और मूवमेंट इज कैरिड आउट बाय 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कोम्ब प्लेट। तो अगर हम चाहते हैं कि टीनोफोरा में मूवमेंट हो तो टीनोफोरा के पास क्या प्रेजेंट होगा? कोम्ब प्लेट। विल शो यू द पिक्चर, जस्ट अ मिनट। सी यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी ये वाला पिक्चर दिया, प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया इज द एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। तो इसमें देखो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं कोम्ब प्लेट। ओके ये वाला जो है, तो कोम्ब प्लेट का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। कितने होते हैं? 8 कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 8 रोज और 8 कॉलम्स ऑफ कोम्ब प्लेट। और ये कैसे होते हैं? सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। और हमको पता है कि जब भी नाम में सीलिएटेड दिया है मतलब मूवमेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोर, वेरी इंपॉर्टेंट। टीनोफोर में एक बहुत ही मस्त खासियत है, ये ना बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। बायो बिकॉज ये लिविंग बॉडी है, एंड लुमिनेसेंस मतलब शाइन। सो अगर आप इन एनिमल्स को देखेंगे तो ये शाइन होते हैं, ऐसे अंधेरे में भी शाइन होंगे। तो प्लूरोब्रेकिया का पिक्चर देखो, ये फ्लोरेसेंट कलर शो हो रहा है। तो इसी तरह से ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनमें ऐसे लाइट प्रॉपर्टी, लाइट एग्जिबिटिंग या फिर शाइनिंग जो प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं बायो लुमिनेसेंस। अब लाइक निडेरियंस, टीनोफोर ऑल्सो एग्जिबिट एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो निडेरियन के पास ना एक खासियत होती है डाइजेशन की, एक्स्ट्रा इंट्रा। एक्स्ट्रा मतलब वो सेल के बाहर एंड सेल के अंदर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल। तो ये विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल, दोनों तरफ से क्या शो करते हैं? डाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो निडेरियन टीनोफोर दोनों ही एक्स्ट्रा सेलर। एक्स्ट्रा सेलर मतलब ये जो भी चीजें डाइजेस्ट करेगा वो सेल के बाहर भी हो सकता है, सेल के अंदर विद इन द सेल भी हो सकता है, दोनों भी डाइजेशन शो करेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा है? रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल होता है। निडेरिया में रिप्रोडक्शन कैसा था? असेक्सुअल भी था, सेक्सुअल भी था। असेक्सुअल में हाइड्रा को याद करना, बडिंग और रीजनरेशन पढ़ा था हमने। एंड सेक्सुअल में गैमिट फॉर्मेशन। अब यही चीज है अगर हम टीनोफोरा की बात करें, टीनोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? सी अगर लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज, आपको किसी ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग स्टेज मिलते हैं। जैसे फ्रॉग में, अगर आप देखेंगे तो उनका एक टैडपोल का स्टेज अलग है, लार्वल स्टेज, और अडल्ट फ्रॉग अलग होते हैं। तो जिसमें ऐसा डेवलपमेंट होता है कि लार्वा अलग एंड अडल्ट अलग, ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो जब आप निडेरिया को, टीनोफोरा को देखेंगे तो इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, लार्वा अलग एंड अडल्ट अलग। देन नीडोब्लास्ट आर एबसेंट, हेंस दीज आर एक्निडेरियंस। नीडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट है कि एबसेंट है? एबसेंट है। निडेरिया में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, नाम में ही निडेरिया है, लेकिन टीनोफोरा में नीडोब्लास्ट आर एबसेंट, और इसीलिए हम उसको एक्निडेरियंस। एक का मतलब है ए इज एबसेंट। ओके सो एक्निडेरियंस भी बोल सकते हैं बिकॉज इनमें निडेरिया एबसेंट है, मतलब निडेरियंस जैसा नीडोब्लास्ट शो नहीं करते। इंस्टेड दे हैव कॉलोब्लास्ट। कॉलोब्लास्ट दैट इज स्टिकी सेल टू कैप्चर प्रे। इनके पास एक ऐसा सेल, सी अभी इनके पास नीडोब्लास्ट नहीं है जो निडेरिया में है डिफेंस करने के लिए, लेकिन टीनोफोरा के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो इनके पास कॉलोब्लास्ट करके कुछ होता है। कॉलोब्लास्ट आर स्टिकी सेल्स, और इनका फंक्शन क्या है? टू कैप्चर द प्रे। तो कॉलोब्लास्ट किसके लिए मदद करते हैं? सी यहाँ पे पिक्चर दिए कॉलोब्लास्ट का, गो थ्रू कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ये कॉलोब्लास्ट कैसे होते हैं? ये ना स्टिकी से होते हैं ताकि प्रे को कैप्चर कर सके। देन टीनोफोरा इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरी फ्यू मेंबर। मैंने आपको कहा ना, हमने टीनोफोरा जनरली नहीं पढ़ा है, बट
आप अगर देखेंगे टीनोफोरा, बहुत कुछ ही मेंबर टीनोफोरा के अंडर आते हैं, इसलिए टीनोफोरा इज नोन एज माइनर फाइला। सो ये आपके बैक क्वेश्चन में भी माइनर फाइला का एक क्वेश्चन है जो हम बाद में देखेंगे। अगर आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर फाइला, सबसे छोटा फाइला, सबसे छोटा फाइला मतलब ऐसा डिविजन, ऐसा ग्रुप जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं दिख रहे, तो उसको बोलते हैं टीनोफोरा। एग्जाम्पल में क्या आता है, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। एक है प्लूरोब्रैकिया, देन देर इज टीनोप्लाना, ये जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं आपको याद करने। ओके एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो टीनोफोरा आर कॉमनली कॉल्ड एज डैश, कोम्बो जेली और सी वॉलनट। ये इनकी हैबिटेट कैसी होती है, एक्सक्लूसिवली मतलब ज़्यादातर ये मराइन होते हैं, सी वाटर में मिलता है, या फिर ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब ये एक्सक्लूसिवली सी वाटर में होता है और ये मूव हो सकते हैं। और इनकी बॉडी कैसी है, डिप्लोप्लास्टिक मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बॉडी प्लान बाइन सैक बॉडी प्लान, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल निडेरिया जैसी हैं। एनिमल के पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन इसमें नहीं मिलेगा। लोकोमोशन यानी मूवमेंट ये कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास कोम्ब प्लेट होता है और वो कोम्ब प्लेट के पास क्या है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो देर आर 8 रोज ऑफ कोम्ब प्लेट जिसकी वजह से ये क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है टीनोफोर का, बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस मतलब शाइन होते हैं। लाइक निडेरियंस टीनोफोर क्या शो करेंगे, एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब ये आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर और सेल के अंदर भी डाइजेशन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा है टीनोफोरा का, टीनोफोरा में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेक्सुअल के बारे में दिया है। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो बच्चा फॉर्म होगा, बच्चा कैसा होगा, इट विल शो एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट मतलब पहले लार्वा होगा फिर अडल्ट होगा। देन क्या यहाँ पे निडोब्लास्ट प्रेजेंट है, नहीं, निडोब्लास्ट एब्सेंट है। निडोब्लास्ट कहाँ था, निडेरिया में था, टीनोफोरा में निडोब्लास्ट नहीं होता, इसलिए इनको एक्निडेरियंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए दैट इज एब्सेंस ऑफ निडोब्लास्ट। देन अब निडोब्लास्ट नहीं है तो इनके पास क्या है, इनके पास है कॉलोब्लास्ट। कॉलोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब सेल्स, सो दीज आर स्टिकी सेल्स जो टीनोफोर्स को प्रे यानी शिकार को कैप्चर करने के लिए हेल्प करेंगे। सो टीनोफोरा इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरी फ्यू मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स नहीं मिलते हैं टीनोफोरा में, इसलिए डैश इज ऑल्सो नोन एज माइनर फाइला। टीनोफोरा को माइनर फाइला भी कहते हैं। दो एग्जाम्पल्स दिए, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। ओके सो विथ दिस वी ऑल्सो कंप्लीटेड टीनोप्लाना। बिफोर वी बिगिन विथ प्लैटी हेलमेंथस, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। हमने दो फाइल ऑलरेडी कवर कर दिया है, दैट इज निडेरिया एंड टीनोप्लाना, टीनोफोरा। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एनिमेलिया बहुत ही इजी है, कुछ टर्म्स हैं पढ़ने के लिए, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा तो इजी है, इसको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा रोज रोज। ओके सो बिफोर वी कंटिन्यू, ये यहाँ पे कुछ प्लस डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे साथ प्लस क्लास में जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SP MAHA। आप अगर अनअकैडमी प्लस पे जुड़ेंगे तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन, अगर आप क्लास 12th के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्लास 12th के साथ क्लास 11th का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और ऐसा नहीं कि आप एक एडुकेटर का यूज़ करें तो उसी से जुड़ सकते हैं, आप एन नंबर ऑफ एडुकेटर से जुड़ सकते हैं एंड एन नंबर ऑफ क्लासेस भी वॉच कर सकते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, नाउ वर्ड में ही मीनिंग है, हमने पोरी फेरा क्यों पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज पोरी फेरा, पोरी का मतलब होता है पोर एंड फेरा इज बेरिंग, पोर बेरिंग स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज। ये आपको पता होना जरूरी है कि एक फाइलम को उसका वो नाम क्यों दिया गया है।
तो अगर आप स्पॉन्ज में देखेंगे, स्पॉन्ज में आपको पोर मिलेगा, इसलिए पोरीफेरा। इसके बाद हमने सेकेंड फाइलम देखा था नीडेरिया। नीडेरिया के पास क्या प्रेजेंट होता है? नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, किसके लिए? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। अब हम प्लैटी हेलमिंथस की बात करते हैं। सो प्लैटी हेलमिंथस को आप अगर तोड़ेंगे, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ का मतलब है वर्म। सो दीज आर फ्लैट वर्म्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म? आंसर है प्लैटी हेलमिंथस। प्लैटी हेलमिंथस के एग्जाम्पल्स हैं प्लेनेरिया, तेनिया, फेजियोला। ठीक है, याद रखना प्लेनेरिया। प्लेनेरिया तो बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं ये रीजेनरेशन करता है। इसके साथ साथ तेनिया करके होता है, तेनिया का कॉमन नेम है टेप वर्म एंड फेजियोला का कॉमन नेम है लीवर फ्लूक। ओके, अब बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इनको फ्लैट वर्म क्यों बोला गया है? बिकॉज अगर आप इनकी बॉडी देखेंगे तो इनकी बॉडी कैसी होती है, जस्ट अ मिनट, इनकी बॉडी चपटी होती है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, इसलिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। जो आपको प्लैटी हेलमिंथस का पिक्चर दिखाना था, आई गेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सी आपके बुक में दिया होगा, जस्ट ओपन पेज नंबर 31 में दे, 32 में देखना, यहाँ पे फैजियोला का पिक्चर दिया है इस तरह से, ऐसे। ओके, सो प्लैटी हेलमिंथस इन जनरल कैसे होते हैं? फ्लैट होता है। तो डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो का मतलब होता है फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब फ्रंट, तो डॉर्सल यानी बैक एंड वेंट्रल यानी फ्रंट। इसका मतलब ये आगे से पीछे से दोनों तरफ से कैसे हैं, चपटा है। ओके, दैट इज फ्लैट है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म बोला गया है। देन एनिमल्स के पास सीलम होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, इन तीनों के पास सीलम था कि नहीं था? नहीं था, असीलोमेट था। और अब हम यहाँ पे प्लैटी हेलमिंथस पढ़ रहे हैं, तो ये भी कुछ नया नहीं है, इसके पास भी सीलम नहीं है। ओके, सो दे आर असीलोमेट, एब्सेंस ऑफ सीलम। बॉडी लेयर है कितना है? तीन है। अच्छा मुझे बताना, टीनोफोरा में कितना था? दो जर्म लेयर था। निडेरिया में कितना था? दो जर्म लेयर था, इसलिए उसको डिप्लोब्लास्टिक बोला था। प्लैटी हेलमिंथस में तीन लेयर है, दैट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लस हमने टीनोफोरा और निडेरिया में जब पढ़ा था, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? सेलुलर था कि टिश्यू लेवल था? इट वॉज टिश्यू लेवल, ऑर्गन तो बना ही नहीं था अच्छे से। बट प्लैटी हेलमिंथस में इट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होगा कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज आगे जाके ऑर्गन, और ऑर्गन कुछ सिस्टम शो करेंगे। ठीक है, अलग अलग सिस्टम शो करेंगे। नाउ ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं एंड फ्यू आर फ्री लिविंग। क्या दिया? एंडो पैरासाइट। पहले तो आपको पैरासाइट का मतलब समझना है। पैरासाइट का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन होस्ट। मतलब एक बकरे को पकड़ लेता है अपने खाने के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब अगर मैं आपको एग्जांपल, और एंडो पैरासाइट का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म, जैसा जू है, जू एक पैरासाइट है। अब ये जो पैरासाइट होते हैं ना, जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब दूसरे को बकरा बना के उसमें का न्यूट्रिशन लेते हैं, या तो ये एंडो पैरासाइट होता है या एक्टो पैरासाइट होता है। एंडो पैरासाइट मतलब ये बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन लेगा, एक्टो पैरासाइट मतलब बॉडी के बाहर ही रह के लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक्टो पैरासाइट में लीच का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। लीच क्या है? कभी भी बॉडी के अंदर नहीं जाता, बाहर से ही ब्लड को सक करता है। एंड एंडो पैरासाइट में आपका जो अच्छा सा एग्जाम्पल है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे अमीबा ना, अमीबा एक एंडो पैरासाइट है। ठीक है, अमीबा को हम लो इसमें प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, एनिमेलिया में नहीं, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। फिर भी उसको कभी कभी लोअर एनिमल में भी कंसिडर किया जाता है। एनी हाउ वो एक एंडो पैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। तो इधर भी मोस्टली
प्लैटी हेलमिंथस यानी फ्लैटफॉर्म एंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब ये अटैक करते हैं बॉडी के अंदर जाके। और कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग मतलब उनको किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, अपने आप ही। तो फ्री लिविंग का मतलब होता है, सॉरी, नॉट पैरासाइटिक, जो पैरासाइटिक नहीं होते, किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। सो पैरासाइटिक फॉर्म शोज प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ होस्ट। तो पैरासाइटिक फॉर्म्स में एक खासियत ये होती है कि इनके पास हुक होता है। हुक से, हुक का काम क्या है, फंस जाना, फंसाना, ठीक है ना, कहीं पे अपने आप को फंसा लेना। तो हुक हुक जो होता है ये वॉर्म्स का, ये मदद करते हैं इनको होस्ट की बॉडी पे अटैच होने के लिए, चिपकने के लिए। और सकर हेल्प करते हैं चिपकने के बाद, एक बार जैसे सरफेस में चिपक गए, अंदर चले गए, तो वहाँ से न्यूट्रिशन को सक करने लगते हैं। सो हुक एंड सकर फॉर अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ होस्ट। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। प्लैटी हेलमिंथस या फ्लैट वर्म की जो बॉडी होती है ना, वो चिपचिपी लगती है। क्यों? बिकॉज उनके बाहर आपको क्या मिलेगा, क्यूटिकल मिलेगा। ऐसे इस तरह से बाहर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, स्पेशली पैरासाइट्स में। पैरासाइट्स मतलब जो किसी दूसरे पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। और यही चीज़ अगर मैं फ्री लिविंग फॉर्म में बोलूँ तो फ्री लिविंग के पास सीलिया होता है। सीलिया आपने देखा है पैरामीशियम में कैसा है, करेक्ट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह से जो प्लैटी हेलमिंथस के कुछ फॉर्म्स होते हैं, इनके पास सीलिया होता है। सो अगर आपसे पूछा पैरासाइट के पास मूवमेंट के लिए, पैरासाइट के पास क्या प्रेजेंट है, तो उनके पास क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल एक स्टिकी लेयर होता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फ्री लिविंग फॉर्म के पास लोकोमोशन के लिए क्या होता है, तो फ्री लिविंग फॉर्म के पास सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासाइटिक में नहीं होता, लेकिन फ्री लिविंग में है बट इनकम्प्लीट है, ये आपको याद रखना है। तो जो पैरासाइट होते हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं, जिनको जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे, उन पे उनकी बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक होती है। ब्लाइंड सैक मतलब जहाँ पे, जैसे हमने नीडेरिया में देखा था, टीनोफोरा में देखा था, एक ही ओपनिंग से इंजेक्शन और इजेशन होता है, तो यहाँ पर भी वही है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम होने के बाद भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी तक दूसरे फाइलम्स में नहीं देखे थे, एनिमल के पास ना कुछ सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। नाम में है प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया उसी से आपको वर्ड सिमिलर लग रहा है। किडनी में हम नेफ्रॉन करके पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लैटी हेलमिंथस में। ये एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं, वेस्ट को निकालने के लिए हेल्प करते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस को बैलेंस करना, ठीक है। सो बॉडी के अंदर जो वाटर है, मतलब अगर ये पानी में मिलते हैं, तो जिस भी एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट है उसमें से पानी तो लेंगे, तो बॉडी के अंदर और बाहर पानी का जो बैलेंस है उसको रेगुलेट करना, ओके। सो वाटर को बैलेंस करना, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। सी यहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है, नहीं हो फिलहाल आप इतना ही याद रखना, ऑस्मोसिस वाटर को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। देन एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल। ये सेक्सुअली कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। एंड क्या इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता? नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, देखो अभी एक ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों हैं, तो ये किसी दूसरे मेल फीमेल के पास नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर, मतलब विद इन एन ऑर्गेनिज्म, मेल गैमिट फीमेल में जाएगा एंड फर्टिलाइज होगा, उसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जैसे हम फ्लावर्स में भी, प्लांट में भी पढ़ते हैं, हेलो निखिल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसी तरह से इधर भी होता है। फ्यू हैव हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन एंड शो पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये प्लैटी हेलमिंथस के जो ग्रुप होते हैं, इसमें फेमसली अगर मैं बोलूँ प्लानेरिया, बिकॉज हम प्लानेरिया के बारे में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ये आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है,
दे हैव अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी प्लानेरिया का अगर हम कोई भी पार्ट कट कर दें, फॉर एग्जाम्पल हेड, तो क्या होगा, उस हेड से नई जो नीचे का जो बॉडी पार्ट है वो क्या होगा, डेवलप होगा। तो दे हैव दी एबिलिटी टू रीग्रो, रीस्टोर, रिपेयर, उसको बोलते हैं रीजेनरेशन। एंड दे शो पॉली एम्ब्रियोनी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, मैनी एम्ब्रियोज। तो इन एनिमल्स में ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो को बना सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बना रहे हैं तो बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज का बनना। सो आई गेस प्लैटीहेलमिंथस हमने कवर कर दिया, इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। आज काफ़ी सारे फाइलम्स हमने देख लिए, हमने निडेरिया देखा, टीनोफोरा देखा एंड प्लैटीहेलमिंथस भी देखा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देन विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आकर आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इफ टाइम परमिट्स एक और फाइलम देख लेंगे। सो प्लैटीहेलमिंथस को हम फ्लैट वर्म भी बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, प्लानेरिया, टेनिया एंड फेजियोला। टेनिया को कॉमनली क्या बोला जाता है, टेप वर्म, एंड फेजियोला को कॉमनली लीवर फ्लूक भी बोल सकते हैं। इनकी बॉडी कैसे होती है, इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली मतलब पीछे से आगे से दोनों तरफ से कैसा होता है, चपटा फ्लैट होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैट वर्म्स। एनिमल्स कैसे होते हैं, दे आर असीलोमेट। असीलोमेट मतलब क्या, इसमें सीलम है, नहीं। क्या पोरीफेरा में था, नो। निडेरिया, नो। टीनोफोरा, नो। प्लैटीहेलमिंथस, तो ये चारों में आपको सीलम नहीं मिलेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बट हमने देखा था कि निडेरिया, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक थे, दो जर्म लेयर था, लेकिन इन केस ऑफ प्लैटीहेलमिंथस ये एडवांस है, इनमें थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट है, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लस इनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अनलाइक निडेरिया एंड टीनोफोरा जिसका ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल था, ये ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम मतलब थोड़ा बहुत जो सिस्टम्स हैं वो दिखाई देंगे। देन ये न्यूट्री, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इधर दे कैन बी एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब पैरासाइटिक हैं, खुद से तो अपना खाना नहीं बनाएंगे, दे विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, और वो भी एंडो मतलब बॉडी के अंदर जाके खाने को लेंगे, उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। और कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, उनको किसी दूसरे को पकड़ने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद अपना खाना खाते हैं। सो पैरासाइटिक फॉर्म्स, ये पैरासाइट के पास एक चीज, कैरेक्टरिस्टिक चीज होना चाहिए, दैट इज हुक। हुक मतलब हुक एंड सकर, ये जो पैरासाइट है उसको हेल्प करता है कि जो होस्ट है उसके बॉडी पे एंटर हो जाए, चिपक जाए और सक करे, तो सकर के मदद से वो न्यूट्रिशन को सक करता है, हुक की मदद से वो चिपकता है। बॉडी आपको दो टाइप की मिलेंगी, अगर बॉडी क्यूटिकल से कवर्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, पैरासाइट में कि फ्री लिविंग में। तो पैरासाइट में बॉडी कैसी होती है, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। और अगर आपसे पूछा कि सीलिया कहाँ मिल रहा है, पैरासाइट में मिल रहा है कि फ्री लिविंग में, तो फ्री लिविंग फॉर्म्स में सीलिया मिल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, जनरली एब्सेंट। तो पैरासाइटिक फॉर्म्स में तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, बट अगर फ्री लिविंग है, वो खुद से मूव हो रहा है, मतलब खुद खाना बना रहा, ले रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट यानी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है। तो फ्री लिविंग में क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, पैरासाइट में डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। एनिमल एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो हमारे पास किडनी होता है, लेकिन प्लैटीहेलमिंथस के मेंबर के पास फ्लेम सेल्स जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब किडनी का ही फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, और यहाँ पे किडनी जैसा काम इनमें फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया करते हैं। तो ये एक्सक्रीशन के साथ साथ वाटर ऑस्मोसिस को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। एनिमल की सेक्सुअलिटी कैसे होती है, आधे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही एनिमल में आपको मेल फीमेल दोनों ही मिलेंगे, जिसके वजह से इन्हें हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखता है कि नहीं दिखता, इट इज सीन। अब जिस एनिमल में मेल फीमेल दोनों होगा वो किसी और के पास मोस्टली नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर खुद में ही फर्टिलाइज कर लेगा। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन,
सो उसी का मेल गैमिट उसी के फीमेल गैमिट से फ्यूज हो जाएगा। देन इनमें से कुछ जो होते हैं दे हैव अ पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब वो अपने इंजर्ड पार्ट को वापस रिपेयर कर सकते हैं, जैसे प्लैनेरिया। एंड दे ऑल्सो शो पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे जो एम्ब्रियोज हैं वो कौन डेवलप कर सकते हैं? प्लैटीहेलमिंथस। ओके सो आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स, वैसे भी देर इज हार्डली 10 मिनट्स दैट इज लेफ्ट। एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम एमसीक्यू क्विज से स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं जितना हमने कवर किए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि हमने ऑलरेडी पेज नंबर 29, 30, 31 को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मतलब एनिमेले का इंट्रोडक्शन एंड पोरीफेरा, नीडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस चारों फाइलम को कंप्लीट कर दिया है। एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं, बाकी के फाइलम को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। रेडी? सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन इन डैश बॉडी प्लान। कौन से बॉडी प्लान में टिश सेल का टिश्यू या ऑर्गन में कन्वर्जन नहीं होगा? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? नाम में ही है सेल एग्रीगेट प्लान, मतलब यहाँ पे सेल एक ग्रुप में रहेंगे, मतलब मल्टी सेलर तो होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टिश्यूज या ऑर्गन सिस्टम में क्या नहीं शो करेंगे? डिफरेंसिएशन। और ऐसा बॉडी प्लान हमको कहाँ पे दिखता है? पोरीफेरा में दिखता है, स्पॉन्ज में दिखाई पड़ता है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट सेल एग्रीगेट प्लान। इजी हो गया, अभी बताया था। सो इसका करेक्ट आंसर है पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी स्पॉन्ज। ओके स्पॉन्ज जो है वो क्या शो करता है? सेल एग्रीगेट प्लान। बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसिएशन, टिश्यू ऑर्गन वगैरह नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट, इन डैश डाइजेशन इज कैरीड आउट इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर इंजेशन एंड इजेशन टेक्स प्लेस थ्रू सेम ओपनिंग। सो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो नाम में ही सैक वर्ड है। सैक मतलब इनकी बॉडी कैसे होती है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे एक ही ओपनिंग से हमको क्या मिलेगा? इंजेशन भी मिलेगा, इजेशन भी मिलेगा। ठीक है, इंजेशन मतलब सी इंजेशन इजेशन दोनों डाइजेशन का हिस्सा है। जहाँ पे माउथ की एंट्री आप माउथ में फूड की एंट्री आप इंजेशन को कहते हैं, एंड इजेशन यानी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। दोनों अगर एक ही ओपनिंग से हो रहा है देन दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कहाँ पे मिलता है? निडेरिया, देन टीनोफोरा फॉर एग्जाम्पल, और अभी हमने प्लैटी हेलमिंथस भी पढ़ा था। बट प्लैटी हेलमिंथस के कौन से फॉर्म्स में दिखता है ये? पैरासाइटिक में कि फ्री लिविंग? फ्री लिविंग, पैरासाइटिक में एब्सेंट होते हैं। ओके पैरासाइटिक में तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता,
फिर भी थोड़ा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर्फ फ्री लिविंग फैटी हेलमिंथस में दिखाई देता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान? सो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। सी, भले हमने यहाँ पे एनेलिडा का नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने निडेरिया पढ़ा है, इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ओके, आई एम सॉरी, आई जस्ट करेक्ट दिस आउट। या सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमने निडेरिया का पढ़ा है, निडेरिया में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, पोरीफेरा में सेल एग्रीगेट प्लान है। तो भले एनेलिडा नहीं पढ़ा है, हमको इतना तो पता है कि आंसर तो कोई एक ही होगा, ठीक है? तो निडेरिया ऑलरेडी है, तो निडेरिया इज द राइट आंसर। एनेलिडा में क्या है हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एनेलिडा में ना ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, जैसे हमारे में होता है वैसा, माउथ अलग एनस अलग, लेकिन निडेरिया में ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट टू सेपरेट एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। टू सेपरेट एंड, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब जैसे हमारे में होता है, माउथ अलग एनस अलग, इंजेशन अलग जगह है, इजेशन एलिमिनेशन अलग जगह से होता है। एक और चीज आप याद रख सकते हो, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब होता है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो, कंप्लीट हो। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? अभी जरा सोच के बताना, अभी डिस्कस किया था इसको। ऑड वन आउट या ऑप्शन एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एनेलिडा। क्यों? बिकॉज हमने बोला था निडेरिया का ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, पोरीफेरा का सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, एनेलिडा का ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये दोनों तो अलग है, तो बचा एनेलिडा। ओके, एनेलिडा को हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, डैश मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्ज। ईजी है, डैश मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्ज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए पोरीफेरा। नाम में है पोरीफेरा, पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स। तो पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स हम किसे कहते हैं? स्पॉन्ज को कहते हैं। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज वीनस फ्लावर बास्केट। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा यू प्लेक्टेला। ठीक है, यू प्लेक्टेला इज द साइंटिफिक नेम फॉर वीनस फ्लावर बास्केट, और यू स्पॉन्जिया इज द साइंटिफिक नेम फॉर बाथ स्पॉन्ज। हेलो दर्शन, बाथ स्पॉन्ज को हम साइंटिफिकली यू स्पॉन्जिया कहते हैं, एंड यू प्लेक्टेला का कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। सी, ये सब आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, एंड ऑल। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइलम पोरीफेरा हैज इट्स नेम बिकॉज ऑफ डैश। काफी बार बता चुकी हूं मैं, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बिकॉज दे आर पोर बेरिंग। पोरीफेरा में ही वर्ड है, पोरी मतलब पोर,
एंड फेरा का मतलब होता है बैरी। तो ये सही है कि ये एक्वाटिक एनिमल है, इनकी बॉडी भी असिमेट्रिकल होती है और ये सेडेंट्री भी होते हैं, बट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, दे आर पोर बेरी। ओके यस करेक्ट दर्शन, सी इज द राइट आंसर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी, जब भी आपका क्लास 11th का कोई भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऐप पे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एडवांस में ही वो नोटिफिकेशन सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमेलिया को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज प्लैटीहेलमिंथस के बाद वाला फाइलम असलमिंथस से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय एवरीवन।